नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार में इन दिनों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच अब राजद ने अपना लाइन क्लियर कर लिया है। तेजस्वी ने यह साफ इशारा कर दिया है कि इस बार वो किसी से समझौता करने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मांझी और कांग्रेस को ठेंगा भी दिखा दिया है। SC ST के आरक्षण के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने मांझी और कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया। गुरुवार को पूर्व CM जीतन राम मांझी के आवास पर हुए अनुसूचित जाति जनजाति विधायकों के सर्वदलीय मोर्चा से राजद विधायकों ने खुद को अलग कर लिया है। राजद विधायकों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अब वो आरक्षण की लड़ाई तेजस्वी यादव की अगुवाई में ही लड़ेंगे। इसके साथ ही राजद ने भाजपा जदयू और लोजपा के इस वर्ग के विधायकों को भी अपना दल छोड़कर तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने की अपील की। राजद के अनुसूचित जाति के विधायकों ने गुरुवार को 10 सर्कुलर रोड में नेता प्रतिपक्ष से बातचीत भी की। जीतन राम मांझी के आवास पर हुई बैठक की अध्यक्षता राज्य सरकार के मंत्री संतोष निराला ने की। बैठक में मंत्री श्याम रजक भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा कि जुलाई के अंतिम सप्ताह में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण बचाव संघर्ष मोर्चा की दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर बैठक होगी। लेकिन जब इस विषय पर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह से पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। रहेंगे ना तो कहाँ जाएंगे, जनता एकजुट हो गई है तो इसलिए जनता एकजुट है तो महागठबंधन के लोग अलग जाके क्या करेंगे, झाल में जावेंगे। जनता ना असली है और सब लोग अपन अपन पार्टी के मर्ज नहीं ना किया है, अपन अपन पार्टी वाले तो बराबर बैठक करते रहते हैं, करेंगे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह साफ तौर पर कहा कि चूंकि हर पार्टियां मर्ज नहीं है महागठबंधन में, इसलिए ये पार्टियां अपनी अपनी मीटिंग, अपने पार्टी की मीटिंग अलग अलग कर रही हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब आने वाले वक्त में महागठबंधन में एकता दिखेगी और एकजुट होकर सरकार पर बड़ा प्रहार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो कोरोना काल में भी जिस तरह से महागठबंधन की स्थिति साफ तौर पर देखी जा रही है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो कि प्रवासी मजदूरों के साथ हो रही व्यवस्था को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं, वहीं तीसरी तरफ मांझी ने भी प्रवासी मजदूरों के साथ मनरेगा के जरिए उनके रोजगार को कैसे व्यवस्थित किया जाए, रोजगार को कैसे दिलाया जाए, उसको लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहीं बात की जाए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की, तो तेजस्वी यादव इन दिनों गोपालगंज हत्याकांड को लेकर या फिर बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं। यानी कि महागठबंधन के हर घटक दल को देखा जाए तो सभी घटक दल अपने अपने तरीके से पार्टी के वोट बैंक को या फिर चुनावी माहौल को गर्म करने में लगी हुई है। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।